हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर कुछ यूट्यूबरों ने ऐसी भसड़ मचा कर रखी है कि आपका जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा उसकी इवैल्यूएशन 15 मार्क्स की होगी और एग्ज़ाम बता नहीं रहे हैं कि 80 का होगा या फिर 85 का होगा। उनको सिर्फ व्यूज़ लेने हैं, बाकी उनका कोई लेन देन नहीं है आपका एग्ज़ाम क्रैक होता है या फिर नहीं होता है। देखो ध्यान से, अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, ना ही डिपार्टमेंट की ओर से आ रही है। तो मैं देख रहा था यूट्यूब पर एक वीडियो दिखी थी मुझे कि अगर आपके 60 प्लस नंबर नहीं आते हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में तो तैयारियां करना छोड़ दो। अरे भाई, तुम नहीं बताओगे हमें कि हमें तैयारियां करनी है या फिर तैयारियां करना छोड़ देना है। तो देखो ध्यान से, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आपको जो है जितना आप में पोटेंशियल है पढ़ाई करने का, आपको 100% देना है। यानी आपको जो है ऐसा सोचना है कि हमारा लास्ट टाइम है एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम, इसके बाद नहीं देना है, यानी एक क्रैक करके रहना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि पहले जो है इस चैनल पर मुझे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा था, बट एट प्रेजेंट जो है रिस्पांस बहुत कम हो गया है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया था कि जो 8 दिन मेरे खाली गए हैं, यानी मैंने 8 दिन में वीडियो अपलोड नहीं की, तो मेरा कुछ इशू था, यानी एक मिसहैपनिंग हो गई थी घर में, तो जिस कारण मैं 8 दिनों में वीडियो नहीं डाल पाया। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि मैं 8 दिनों में वीडियो नहीं डाल पाया। कोई बात नहीं, जो जहाँ जाता है उसको जाने देते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना जो सीरीज़ चली एचपी पुलिस कांस्टेबल की। और मैंने आपको प्रॉमिस किया कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करके दूंगा। अब देखो ध्यान से, हिमाचल पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है ये कितने नंबर का होगा, 80 का होगा या फिर 100 का होगा? अगर 80 का होता है तब भी अच्छा है, अगर 100 का होता है तब तो सोने पर सुहागा है। क्यों? क्योंकि 20 नंबर आपको, यानी 20 क्वेश्चन आपको एडिशनल मिलने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, जो इवेल्यूशन 20 मार्क्स की होती है, अब हर बंदे के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं होता है, हर बंदे के पास एनएसएस का सर्टिफिकेट नहीं होता है, हर बंदे के पास लैंडलेस का सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि 20 में से वो इजीली 10 स्कोर कर सकता है। अदरवाइज़ अगर इवेल्यूशन होती है तो 20 में से उसको 5 मिलते हैं या फिर 4 मिलते हैं। तो डिस्टेंस, जो इवेल्यूशन का फंडा है अभी पेंडिंग है और जैसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है मैं आप सभी से शेयर कर लूँगा। और अभी आपके रहते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट के जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहे हैं वहाँ के, तो जैसे ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाते हैं उन दोनों डिस्ट्रिक्ट के, तो उसके बाद तैयारी हो जाएगी आपकी रिटर्न एग्ज़ाम की। तो तब तक के लिए क्या है, आपको बहुत हार्ड मेहनत करनी है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे अब हमें कैसे तैयारी करनी है। तो हमें तैयारी करनी है 100 मार्क्स की तैयारी, यानी आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, GK एंड साइंस, यहाँ से भी आपको 20 मार्क्स की प्रेपरेशन करनी है। मतलब आपको साइंस की वेटेज यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, यानी साइंस को थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं, तो कल से हमारा टाइम टेबल कुछ ऐसा रहने वाला है, सुबह 8 बजे हमारा होगा इंग्लिश और हिंदी का सेशन, और दिन को 11 बजे होगा हमारा मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग का सेशन, और शाम को होगा 6:30 बजे हमारा आएगा साइंस का, और 7:30 बजे आएगा GK। तो अगर किसी को PDF फॉर्मेट चाहिए लेक्चर का तो हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट फोकस TF करके, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे हिंदी और इंग्लिश के सेशन के साथ। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।